हाय फ्रेंड्स, मैं राजवीर आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेके आ चुका हूँ पिंटरेस्ट से रिलेटेड। और आज की वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि पिंटरेस्ट पे पोस्टिंग कैसे करते हैं, बिकॉज आप अदर सोशल मीडिया ऐप पे तो आराम से और इजीली पोस्टिंग कर लेते हो कि आप पोस्ट वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हो और पोस्ट कर लेते हो, बट पिंटरेस्ट पे बहुत सारे लोग जो हैं पोस्ट नहीं कर पाते। उन्हें पता ही नहीं होता कि पिन और बोर्ड क्या होता है और इसे कैसे यूज करते हैं और पोस्ट कैसे करते हैं। तो ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको अपना पिंटरेस्ट अकाउंट ओपन कर लेना है, जैसे मैंने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब चाहे वो आप फोन पे ओपन करो चाहे डेस्कटॉप पे ओपन करो। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे एक नीचे ऑप्शन देखने को मिलेगा, क्रिएट ए पिन। और जब आप डेस्कटॉप में इसे ओपन करोगे तो भी आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे, क्रिएट ए पिन। आपको इस पे सिंपली क्लिक करना है, क्रिएट ए पिन। और क्रिएट ए पिन जो होता है ये होता है पोस्टिंग के लिए, जैसे फेसबुक में एक ऑप्शन होता है पोस्ट, ओके, सेम उसी की तरह यहाँ पे पिन होता है। इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो बहुत सारे ऑप्शन आ रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे ये सारे ऑप्शन इसलिए आ रहे हैं बिकॉज यहाँ पे पिन्स बने हुए हैं, एंड ये मुझे बता रहे हैं पिन्स आप कैसे बना सकते हो। सो मैं इसे नेक्स्ट नेक्स्ट कर लेता हूँ। एंड इसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हो कुछ यहाँ पे मुझे सजेशंस भी मिल रहे हैं, तो मैं इसे कट कर देता हूँ। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे आप पिन कैसे बना सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पे एक वीडियो या फिर इमेज अपलोड कर लेनी है। सो मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और ये वाली इमेज मैं यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे ये इमेज अपलोड करूंगा तो आप देख सकते हो ये इमेज अपलोड हो चुकी है, बट यहाँ पे आप देख सकते हो जो इसका डायमेंशन आ रहा है वो आ रहा है 100,000 पिक्सल × 15 पिक्सल या फिर 1,280 × 720 पिक्सल, इस अकॉर्डिंग का मैं यहाँ पे कर सकता हूँ। आफ्टर दैट अगर आप यहाँ पे चाहोगे तो क्राउजल भी बना सकते हो। क्राउजल के लिए आपको क्रिएट ए क्राउजल वाले बटन पे क्लिक करना होगा। जैसे आप यहाँ पे क्लिक करोगे इसके बाद आप सेकेंड इमेजेस भी यहाँ पे अपलोड कर सकते हो। तो सेकेंड इमेज भी मैं यहाँ पे अपलोड कर लेता हूँ और मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट करता हूँ और ओपन कर लेता हूँ। जैसे मैं इसे ओपन करूंगा तो यहाँ पे बन चुके हैं मेरे क्राउजल 2। उसके बाद आप यहाँ पे और जितने चाहें उतने यहाँ पे ऐड कर सकते हो, ओके। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलता है, एडिट कप एडिट पिन का ऑप्शन। एडिट पिन पे आप जाके क्लिक कर सकते हो। आफ्टर दैट यहाँ पे आप जाके अपने जो पोस्ट को है उसे कस्टमाइज कर सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो क्रॉप कर सकते हो एंड यहाँ पे साइज रेशियो चेंज कर सकते हो, एडजस्ट कर सकते हो किस अकॉर्डिंग आप यहाँ पे करना चाहते हो, चेंज इमेज पोजीशन कर सकते हो कि इमेज किस अकॉर्डिंग का यहाँ पे शो हो, तो इसके अकॉर्डिंग भी आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद इसे चाहो तो डिलीट कर सकते हो। एंड यहाँ पे एक ऑप्शन देखे तो हमें स्टार का ऑप्शन देखने को मिलता है। स्टार वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आप यहाँ पे लोगो ऐड कर सकते हो जो आपका फ्रंट में दिखेगा। इमेज के साइज को आप इंक्रीज डिक्रीज कर सकते हो। मार्जिन रख सकते हो कि इसका मार्जिन क्या रहने वाला है। पोजीशन रख सकते हो कि इसे बीच पोजीशंस में रखना है, साइड में रखना है, कॉर्नर में रखना है, कि जहां पे भी आप चाहो वहां पे आप इसे सेट कर सकते हो। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें तो एक हमें टेक्स्ट का भी ऑप्शन देखने को मिलता है, जिसमें हम यहाँ पे इसका जो टेक्स्ट स्टाइल है वो भी चेंज कर सकते हैं, जो आपको अदर्स में देखने को ना मिले पोस्टिंग के वक्त, जो यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। इसके बाद आप साइज इंक्रीज कर सकते हो अपने फॉन्ट के स्टाइल का एंड कलर चेंज कर सकते हो। इसके बाद आप इसे अलाइन भी कर सकते हो राइट में या फिर जिस साइड चाहो उस साइड आप इसे टेक्स्ट को अलाइन कर सकते हो, ओके। इसके बाद अगर यहाँ पे देखें तो आप मार्जिन सेट कर सकते हो, बैकग्राउंड पोजीशन सेट कर सकते हो एंड यहाँ पे पोजीशंस, ओके। सो ये सारी चीजें आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके बाद आपको इस पे क्लिक करना है अपडेट चेंजेस, एंड यहाँ पे देख सकते हो ये मेरा चेंज हो चुका है। इसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हो 3 डॉट्स देखने को मिल रहा है, जहां से आप इसे डिलीट कर सकते हो या डुप्लीकेट भी बना सकते हो। एंड यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है सिलेक्ट एंड पब्लिक्स। तो सिलेक्ट वाले ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करते हो तो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिलता है क्रिएट ए बोर्ड। मतलब ये है कि जब आप एफबी पे पोस्ट करते हो तो वहां पे आप एक फोल्डर बनाते हो, जिस फोल्डर में आप अपने इंटरेस्ट से रिलेटेड फोटोज ऐड करते हो। तो वैसे यहाँ पे एक ऑप्शन होता है क्रिएट बोर्ड, जिसमें आप बोर्ड क्रिएट करके आप जिस भी सेगमेंट के लिए यहाँ पे पोस्ट बना रहे हो या फिर वीडियो बना रहे हो उसे चाहते हो कि ये सारे पोस्ट जो है मेरे एक फोल्डर में सेव हो जाए, तो इसलिए आप यहाँ पे क्रिएट बोर्ड पे क्लिक कर सकते हो और इसे क्रिएट कर सकते हो। तो सिंपली आपको इस पे करना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करोगे यहाँ पे आपको नेम ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे टेस्ट रख रहा हूँ या डेमो, तो मैं यहाँ पे डेमो लिख देता हूँ कि ये मेरा डेमो बोर्ड है।
एंड इसके बाद आ रहा है कीप दिस बोर्ड सीक्रेट, आप इसे चाहो तो बोर्ड को सीक्रेट भी कर सकते हो, सो ओनली यू एड एंड कोलैबोरेटर्स कैन सी इट। ठीक है, तो आप इसे टिक भी कर सकते हो, अनटिक भी रख सकते हो, तो यहाँ पे आप पे डिपेंड करता है। तो मैं इसे अनटिक करता हूँ क्रिएट। जैसे मैं इसे क्रिएट करूंगा तो इसके बाद देख सकते हो ये वाला जो पोस्ट है मेरा, इस क्रिएट यहाँ पे जो क्रिएट है बोर्ड मैंने किया है इस पे ऐड कर सकता हूँ। ओके, सो मैंने ये सिलेक्ट कर लिया। इसके बाद आपको यहाँ पे सिंपली टाइटल रखना है इस पोस्ट का, जो भी आप टाइटल रखना चाहते हो। ओके, तो जो टाइटल आपको रखना है मिनिमम 40 कैरेक्टर्स और मैक्सिमम 100 कैरेक्टर्स आप रख सकते हो। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप देखो तो डेमो टेस्ट आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे मैंने डेमो का फोल्डर रखा है। ओके, तो ये भी है, और डेमो टेस्ट जो मेरे अकाउंट का नाम है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आपको एक छोटी सी स्टोरी ऐड करनी है, टेल एवरीवन व्हाट योर पिन इज अबाउट। सो यहाँ पे आप बता सकते हो कि आपके पिन में क्या क्या है और लोग क्यों देखे इसके, और इसके बारे में आप क्या बताना चाहते हो। तो इसे आप 100 कैरेक्टर मिनिमम या फिर 500 कैरेक्टर के अप्रॉक्स रख सकते हो। इसके बाद यहाँ पे ऐड ऑल टेक्स्ट करके आप और भी कैरेक्टर यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको टोटली 1000 कैरेक्टर्स देखने को मिलते हैं। 1000 कैरेक्टर्स में आप अपने पोस्ट को डिस्क्राइब कर सकते हो कि आपका पोस्ट किस चीज के बारे में है। ओके, इसके बाद यहाँ पे आप चाहो तो जो भी यहाँ पे पोस्ट बना रहे हो या फिर यहाँ पे ऐड कर रखा है, उस पोस्ट का एक यूआरएल दे सकते हो, जो आप चाहो कि अगर इस पोस्ट को कोई देखे और क्लिक करे तो वो उस यूआरएल पे चला जाए। तो इस अकॉर्डिंग यहाँ पे आपको एक लिंक ऐड ऑन करना है, इसके बाद आपको इसे पब्लिश कर देना है। ओके, तो इस तरीके से आप इसे बना सकते हो और पिन कर सकते हो। सो मैं इस पे यहाँ पे ऐड कर देता हूँ कुछ भी, लाइक जैसे ये मेरा कैनवा से रिलेटेड है तो मैं यहाँ पे कैनवा ऐड कर देता हूँ, एंड यहाँ पे मैं इसे डिस्क्राइब कर देता हूँ बिकॉज कैनवा से रिलेटेड है, तो अबाउट कैनवा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अबाउट कैनवा, ठीक है, फुल हिंदी ट्यूटोरियल। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे ये लिख दिया है, ठीक है, ताकि लोग इसे समझ सके। एंड मैंने इस लिखने के बाद यहाँ पे आपको एक लिंक एड ऑन करना है, या फिर आप इसे ब्लैंक भी छोड़ सकते हो। एंड इसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है, यूज द सेम टेक्स्ट एंड यूआरएल ईच इमेज, सब इमेज के लिए रख सकते हो। सो मैं ऐसे जैसे पब्लिश करूंगा, ओके, तो ये जो है मेरा यहाँ पे पब्लिश हो जाएगा और ये मैं बोर्ड में जाके चेक कर सकता हूँ। सो मैंने यहाँ पे इसे पब्लिश कर दिया है। यहाँ पे ये थोड़ा सा लोडिंग टाइम लेगा, इसके बाद ये मेरा पब्लिश हो जाएगा। तो आप देख सकते हो ये मेरा यहाँ पे पब्लिश हो चुका है। सो इसे आप मे बी लेटर कर सकते हो। सो मैं इसे मे बी लेटर कर देता हूँ, एंड जैसे ही मैं इसे मे बी लेटर करूंगा, इसके बाद देख सकते हो यहाँ पे जो मेरा एक फोल्डर है वो यहाँ पे बन चुका है, एंड इससे रिलेटेड जो भी मेरे यहाँ पे इंटरेस्टेड थे वो आ चुके हैं। इसके बाद यहाँ पे आप एक्सप्लोर वाले बटन पे क्लिक कर सकते हो। एक्सप्लोर करके आप और भी चीजें देख सकते हो, जैसे कि टेस्ट टू फॉरगेट द स्ट्रेस, क्लाइमिंग कोर्स एंड पासल, जो भी है रिलेटेड है वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पे पिन और जो यहाँ पे क्रिएटिव बोर्ड है ये आप दोनों यूज कर सकते हो, और इसे कैसे यूज करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। तो इस तरीके से आप पिंटरेस्ट को यूज कर सकते हो, एंड पोस्टिंग रील जो भी आपको करना है वो कर सकते हो। अगर फिर भी कोई इश्यू आता है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।